चैनल। दोस्तों, हम एग्जाम के लिए हमारे रैपिड रिवीजन के सामने स्टार्ट कर चुके हैं और आज का हमारा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा लिख लिया है बोर्ड पे ताकि आपका वीडियो और थोड़ा सा कम हो जाए और थोड़ा सा जल्दी ये थर्मोडायनामिक्स जैसा बड़ा चैप्टर क्या हो जाए आपका जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो हीट इंजिन के आगे का चैप्टर जो है वो आपका रिड्यूस हो चुका है, उससे पहले का जो चैप्टर है वो आपके पास थियोरेटिकली अवेलेबल है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे सीईटी के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की एक और लिंक दे दी है, टेलीग्राम के एक चैनल की लिंक है, तो उस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। आपके इमीडिएटली बोर्ड्स एग्जाम के बाद में हम एकदम अफोर्डेबल एक स्ट्रक्चर लेके आएंगे जो आपको सीईटी और एमसीक्यू के लिए हम क्या करेंगे उसको यूज करने वाले। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स पढ़ना शुरू करते हैं और पूरा चैप्टर हम इजिली कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए और लास्ट तक देखिए बेटा। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स एस्पेक्ट्स। तो थर्मोडायनामिक्स इज द स्ट्रक्चर विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क एंड वर्क टू हीट। सो हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे, हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, उस सारे स्ट्रक्चर्स का पढ़ाई करना यानी थर्मोडायनामिक्स का पढ़ाई करना होता है। दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक स्ट्रक्चरल लॉज। उन्हें कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर। इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है? इक्विलिब्रियम यानी दो सिस्टम्स। अब सिस्टम क्या होता है, ये एक वर्ड आपको बार बार आएगा, तो मैंने जानबूझ के यहां पे एक डायग्राम निकाल ली है, हमें बस उसे याद रखना है। व्हाट इज सिस्टम? समझ लीजिए ये बीकर है और बीकर में मैंने पानी कंसिडर कर लिया है और पानी के बाहर ये सब क्या है, ये बाकी सब है। तो द सिस्टम इट इज द एरिया ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन, इट इज कंसिडर्ड टू बी सिस्टम। तो ये वॉटर स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? सिस्टम हो गया। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो आप क्या कह सकते हैं, ये बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। सो सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। अब हमारे पास ये तीन सिस्टम है, यहां पे एक सिस्टम है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ये ए बी एंड सी, ये ए बी एंड सी। अब यहां पे हुआ क्या है दोस्तों, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि ए और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बोथ हैव सेम टेम्परेचर, सेम हीट, सो इट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एट द सेम टाइम ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी ए कहां कहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो हम कह सकते हैं दैट बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वही बात करता है कि ए जब बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए जब सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी क्या हो सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। यानी इफ टू सिस्टम्स ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, यानी बी और सी किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्ड सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, देन बी एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू। सो ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी। सो बी एंड सी आर द टू सिस्टम्स विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए, सो वी कैन से दैट बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने सेट कर लिया कि इक्विलिब्रियम करके एक स्टेज होता है जहां पे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कह सकते हैं। बेटा, जो साइंस टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का कैलकुलेशंस करता है उसे थर्मोमेट्री कहता है। मैं एक बार देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, सो थर्मोमेट्री आपको याद रखना है वर्ड्स। व्हाट इज थर्मोमेट्री? थर्मोमेट्री इज अ साइंस विच स्टडीज द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर कैलकुलेट कैसे करना है इन सबको। जीरोथ लॉ के बाद में एक स्ट्रक्चर आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रास्ता है, जिस रास्ते को कहा जाता है हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अब हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इन पे जाने से पहले तो हमें इंटरनल एनर्जी कंसिडर कर लेनी चाहिए। अब समझ लीजिए यही बीकर है जो आपके टेबल पे रखा हुआ एक वाटर स्ट्रक्चर है। अब उस वाटर में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, उसमें पानी है।
इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है बिकॉज इट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है बिकॉज उसमें उसको हमने हाइट भी कंसिडर नहीं कर ली है, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी जीरो है क्या बेटा? नहीं है, क्योंकि वॉटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी भी तो एक मोशन कंटिन्यूअसली चल रही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के पूरे स्ट्रक्चर में हमने वही तो पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एनर्जी भी प्रेजेंट होती है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एक रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड एनर्जी भी होती है। इन सब एनर्जीज का कंबाइन करके द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम इट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को सिंपल वर्ड्स में यही कह सकते हैं हम, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर सर्वाइवल। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड इंटरनल एनर्जी इसे इंडिकेट करता है बेटा पूरे स्ट्रक्चर में, इट इज इंडिकेटेड बाय यू एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा यू। ओके, सो ये इंटरनल एनर्जीज हो गया, और इस इंटरनल एनर्जीज को हम सिस्टम्स में जब यूज कर लेते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री इंटरनल एनर्जी एंड हीट का भी एक स्ट्रक्चर आता है। लेकिन हीट के स्ट्रक्चर तक जाने से पहले मैं आपको तीन सिंपल डेफिनेशंस बताना चाहता हूं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं बेटा। तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम यानी कौन सा सिस्टम है? द सिस्टम विच इज एक्सचेंजिंग हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग। यानी जैसे ये एक सिस्टम है जिससे आपको हीट भी बाहर जा रही है, हीट एंड मैटर भी बाहर जा रहा है, तो इस सिस्टम को हम क्या कह लेंगे? ओपन सिस्टम कह लेंगे। ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें मैटर बाहर नहीं जा रहा है, यानी हमने यहां पे थर्मस लगा ली, और थर्मस भी नहीं समझ लो, एक लीड लगा ली, कि जिससे मैटर बाहर नहीं जा रहा है, जिससे सिर्फ क्या बाहर जा रही है? हीट बाहर जा रही है, तो उस सिस्टम को कहा जाता है क्लोज सिस्टम। और ऐसा कोई सिस्टम जिससे हीट भी बाहर नहीं जा सकती और मैटर तो बिल्कुल ही बाहर नहीं जा सकता, जिसको हमने थर्मस के रूप में कह सकते हैं, हीट एंड मैटर बोथ आर प्रोटेक्टेड, दैट सिस्टम इट इज कंसिडर्ड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो ये तीनों भी लिखने को आ सकते हैं, उसको अच्छे से एक बार देख लेना। एक्सप्रेशन हमारे पास थर्मो में है ही नहीं, छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटी छोटी टर्म्स है, उन्हें हमें क्या कर लेना है, इस वीडियो में समझ लेना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम आज ही लेने वाले हैं, आपको डिस्क्रिप्शन आपको चैनल पे लिंक आ ही जाएगी। कम न्यूमेरिकल्स है, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है, आज ही करवा दूंगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलो हीट पे चलते हैं। हीट इज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू सिस्टम्स। अब टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू सिस्टम्स कह सकते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर लो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एंड दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ अगर जाना है तो इन सारी स्ट्रक्चर्स को हमें क्या करना पड़ता है? अच्छे से समझना पड़ता है। होपफुली बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये सब स्ट्रक्चर। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है बेटा, उसको भी अच्छे से एक बार ध्यान देके देख लीजिए। उस चैनल पे एग्जाम के तुरंत बाद से हम एक स्ट्रक्चर चालू करने वाले हैं, तब तक हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स है इसके, दो स्टेटमेंट्स मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं। यो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आसानी से समझने के लिए एक चीज आप कंसिडर कर लीजिए कि सपोज इफ यू आर अ सिस्टम, आप एक सिस्टम अगर है तो, और आप अगर हीट को किसी कहां से ले रहे हैं, तो आप जो हीट लेने वाले वो सबसे पहले क्या फुलफिल करेगी? आपकी इंटरनल एनर्जी फुलफिल करेगी, और बाद में इंटरनल एनर्जी फुलफिल होने के बाद में जो एनर्जी बच जाती है वो आप क्या करेंगे? वर्क डन के लिए यूज करेंगे। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर बेसिक लाइन ऑफ थिंकिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। जिस बेसिक लाइन ऑफ थिंकिंग है मैंने ये ग्रीन कलर का एक्सप्रेशन और ये स्टेटमेंट लिख लिया है। ये मेरा एक सिंपल तरीका है इस स्टेटमेंट को याद रखने का। हम यहाँ पे उसको प्रूव भी कर लेंगे कि कितना वर्क डन होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैसे परफॉर्म होता है, वो भी मैं आपको निकाल के दे दूंगा। लेकिन स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू एनी सिस्टम इट इज यूज्ड फॉर टू पर्पजेस, वन इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड अनदर इज टू डू वर्क। यानी सपोज क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ये आपने दी है सिस्टम को, सो डेल्टा यू विल बी इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके बाद में अगर आपने प्रोवाइड कर ली तो वो कहां यूज हो जाएगी? हमारे पास वर्क के पास हो जाएगी। और दूसरा स्टेटमेंट इसे हम लिख सकते हैं कैसे, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट इज डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये एक सब्सट्रैक्शन का, एक एडिशन का स्ट्रक्चर हो गया। हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया है, सिलेंडर पे ये एक पिस्टन है, दिस इज मासलेस
एंड फ्रिक्शनलेस। ये जो पिस्टन है कैसा पिस्टन है, ये मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है, और इसे हमने क्या कर लिया, अंदर डाल दिया है। यानी इनिशियल पोजीशन इसकी ए होगी, तो अब ये पोजीशन कौन सी है, बी है। सो बी पोजीशन पे हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी नेगेटिव वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज अगर हो रहा है तो हमें वर्क डन अगर निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, डी एक्स। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन एफ के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रेशर यहां पे अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, यहां पे अगर हमने लिख लिया तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू क्या हो सकता है, डी एक्स। दिख रहा है ना बेटा आपको, चलो कमेंट सेक्शन मुझे बताते रहिए। अब एरिया इंटू डी एक्स, अब एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये तो वॉल्यूम लिख सकते हैं, देयर फोर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज पी डेल्टा वी। दिस इज योर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क विच इज डन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप अगर इनिशियल स्ट्रक्चर्स में वी आई टू वी एफ इसको क्या कर लेंगे, आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन आ सकता है डी डब्ल्यू इज, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, इसका इंटीग्रेशन है फ्रॉम वी आई टू क्या हो जाएगा आपका वी एफ। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई, दिस वर्क डन इट इज नोन एज वर्क डन फॉर प्रेशर वॉल्यूम स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आपको पूरा लिखना पड़ता है जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दीज आर द टू बेसिक स्टेटमेंट्स, और यहां जो वर्क डन है, यहां जो वर्क डन है वो वर्क डन भी हमने क्या कर लिया है, निकाल दे दिया है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका क्या कर लिया है, आपको दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एक एक टॉपिक आता है, डेफिनेशंस का टॉपिक है। इसको हम दो स्ट्रक्चर्स में डिफाइन कर लिए हैं, एक है इंटेंसिव वेरिएबल, एक है एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब व्हाट इज इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव स्टेट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, यानी मैटर पे डिपेंड नहीं होता है, एंड दे आर प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। और जैसे मास एक क्वांटिटी है, इंटरनल एनर्जी एक क्वांटिटी है, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मैटर है, इट डिपेंड्स ऑन मैटर, एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन मैटर, तो वो होती है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। जितना साइज बढ़ेगा उतना मास बढ़ेगा, जितना मास बढ़ेगा उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। दीज आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, याद रखना है बस। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप के होते हैं बेटा, आपको दिख रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें अनरिजॉल्व्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं चाहिए सिस्टम में। अगर सिस्टम में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है वो, और अगर है, अगर बैलेंस स्ट्रक्चर है तो पूरा सिस्टम कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम, देयर मस्ट बी नो केमिकल रिएक्शन विच आर ऑन गोइंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सब तरफ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम कैसे कहेंगे उसे, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये तीन इक्विलिब्रियम है, याद ही रखना है बस, मुझे ज्यादा नहीं है। अब हम लेटर हाफ में हमारे चैप्टर के, अब यहां से ज्यादा बचता नहीं है। हमारे पास पीवी डायग्राम्स करके डायग्राम्स आते हैं, अब आपको पता ही है व्हाट इज पीवी डायग्राम्स। पीवी डायग्राम इज प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ डायग्राम। अब प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ डायग्राम कैसे होता है, जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क है, एक्सपांशन का वर्क है, तो एक्सपांशन का वर्क है तो उसकी पीवी डायग्राम कैसे बनेगी, और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग है, ये कॉन्ट्रेक्शन का वर्क है, तो उसकी पीवी डायग्राम कैसे बनेगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ऐसा आता है, राइट पीवी डायग्राम्स टू शो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। अब वर्क डन का फॉर्मूला तो आपके पास पी डेल्टा भी बना ही है, इज योर पी डेल्टा भी। अब पी डेल्टा भी को स्ट्रक्चर्स में अगर हम कैंसिल हम कंसिडर कर लेंगे, तो V1, V2 हमने कंसीडर कर लिया कि P1 के लिए V1 था और P2 के लिए V2 था। मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रेशर को, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। देखो V1 से V2 तक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, और इस वर्क को कहा जाता है वर्क ऑफ एक्सपांशन। ओके, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, देखिए P1 के लिए V1 था, P2 के लिए V2 था, as P is inversely proportional to volume, as volume increases pressure decreases, or as pressure decreases volume increases, this is your volume of expansion. Volume of contraction कैसे कहेंगे हम, कि V1 it is going decreasing to V2, V1 is decreasing to V2,
एंड V1 के लिए P1 है और V2 के लिए P2 है. वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग. ओके, सो इस वर्क डन को हमें कहा गया वर्क ऑफ कॉन्ट्रेक्शन. ये तीन चार चीजें, ये दो वर्क हमें बहुत अच्छे से कंसीडर कर लेना है. इनका डायग्राम एग्जाम में आता है. यहां पे अगर आपने शेड भी कर लिया तो आप ऐसे कर लिख सकते हैं, दैट शेडेड पोर्शन इंडिकेट द वर्क, दिस इज ऑल्सो शेडेड पोर्शन विच इज इंडिकेटिंग वर्क. दो तो वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी सेम, बट ये वॉल्यूम ऑफ, ये वर्क ऑफ एक्सपांशन है, ये वर्क ऑफ कैसा है, कॉन्ट्रेक्शन है. हम अब बस प्रोसेसेस के बारे में बात करने वाले हैं. प्रोसेसेस कैसी होती है थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के जो पीवी डायग्राम्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. लाइक कीजिए दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक है उसे ज्वाइन भी कर लीजिए. आपके सारे काम की चीजें मैं वहां पे बताने वाला हूँ. थैंक यू. चलिए बेटा, मैं सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होपफुली एक ही बोर्ड पे लिखने की कोशिश किया हूं. तो एक और एक्सप्रेशन भी लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो आपको समझने की कोशिश कर लीजिए. थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. अब उसके बेसिक दो डिफरेंसेस पढ़ते हैं, एक आइडियल प्रोसेस और एक प्रैक्टिकल प्रोसेस. इधर की थर्मोडायनामिक प्रोसेस अलग है. एक प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस. अब रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कैसे, कि एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस जिसको आप हमेशा कोई भी मूवमेंट पे रिट्राइव कर सकते हैं, उसको वापस बुला सकते हैं, या विच कैन बी रिवर्स एट एनी मोमेंट. द प्रोसेस विच इज रिवर्स, विच कैन बी रिवर्स एट एनी मोमेंट, इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस. ये आइडियल प्रोसेस होती है दोस्तों, ये आइडियल प्रोसेस है. यानी देखिए डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस हमेशा वॉल्यूम का रहेगा बेटा, वाई एक्सिस प्रेशर का रहेगा, और जिस पाथ से आपका चेंज हो रहा है उसी पाथ से वॉल्यूम कैसा आ रहा है, वापस आ रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस. ये स्लो होती है, आइडियल होती है. ओके, ये दो तीन चीजें इसके बारे में फिक्स है. लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे वॉटरफॉल है, पानी का ऊपर से गिरना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि पानी आप ऊपर लेके जा सकते हैं लेकिन पाथ सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा. विच कैनॉट बी रिवर्स एट एनी मोमेंट, ये फास्ट होती है बेटा, और ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होती है. तो इन दो प्रोसेस को आपको याद में रखना है. पीवी डायग्राम, आप एक पीवी डायग्राम 101% एग्जाम में निकालने वाले हैं. सब पीवी डायग्राम इसके लिए मैंने निकाली है. ओके, सो दीज आर द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. फिर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें पढ़नी पड़ती है, विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस. यानी जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस. अब आइस का मेल्ट होना, इट इज अ प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. द प्रोसेस और द चेंज इन टेम्परेचर और द चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, कहेंगे हम टेम्परेचर क्यों कहेंगे, द चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर इट इज टेकिंग प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस का ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, मैं आपको एक बार आप देख भी लीजिए कि कैसे सॉल्व किया है, और मैं फिर से आपको एक बार लिख के भी दिखा दूंगा. हमने वर्क डन कंसिडर कर लिया है पी डेल्टा वी, और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस ये पूरा स्ट्रक्चर हमने कंसिडर कर लिया है कि जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और फिर उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेशन कर लिए. मैं एक बार आपको फिर से लिख के दिखाता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए और हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ सके. देखिए, मैंने कंसीडर कर लिया वर्क डन इज इक्वल टू पी इन इंटीग्रेशन ऑफ वीआई टू वीएफ ऑफ डीवी. ओके, अब हम अगर आइडियल गैस कंसीडर करें तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. और इस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमने अगर कैलकुलेशन कर लिए तो पी की वैल्यू मिल जाती है एनआरटी अपॉन वी. सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बेटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वीआई टू वी एफ, प्रेशर की वैल्यू डाल दी हमने, एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, एनआरटी बाहर निकल गए. देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एनआरटी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन वी, वेयर इट इज रेंजिंग फ्रॉम वी आई टू वी एफ. इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है लॉग लॉग ऑफ वी. तो हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एनआरटी इन ब्रैकेट लॉग ऑफ वी विच इज रेंजिंग फ्रॉम वी आई टू क्या हो जाएगा, वी एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी इन ब्रैकेट लॉग ऑफ वी एफ माइनस लॉग ऑफ वी आई, या वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी लॉग ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ वी एफ अपॉन वी आई. अब अगर आइडियल गैस अगर होगा तो इसकी डेल्टा यू हो जाएगी जीरो. सो वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड. सो आप आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कह सकते हैं दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द सिस्टम इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. ओके, इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. और इसका पीवी डायग्राम भी इजी बन जाएगा, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे, प्रेशर वाई एक्सिस पे, एंड इट इज चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी. ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा आइसोथर्मल, याद रखना हमेशा. आइसोबोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, दीज आर
टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑल्सो। आइसोबारिक प्रोसेस कैसी होगी? द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी बॉइलिंग ऑफ वॉटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो प्रेशर डज नॉट चेंज बट वॉल्यूम चेंजेस, ओके। एंड द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है, समझ लीजिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन, लास्ट कंडीशन। द प्रोसेस विच इज रिटर्निंग बैक टू द, यहां पे वर्क डन तो जीरो हो जाएगा ना, द प्रोसेस विच इज रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। एक और प्रोसेस होती है एडियाबेटिक, कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक, जिसका हीट चेंज कितना होता है, जीरो होता है। बाकी आपकी पीवी डायग्राम सेम ऐसी ही पीवी डायग्राम उसके भी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो होपफुली आपको सारी प्रोसेसेस भी समझ में आ गई होगी, इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम आज ही करने वाले हैं, तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लीजिए, आपके सब दोस्तों को पहुंचा दीजिए, और थर्मोडायनामिक्स में अच्छे से मार्क्स स्कोर कीजिए। बाकी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, थैंक यू।